नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी को याद करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू काफी भावुक हो गए, उनका गला भराया। सभापति वेंकैया नायडू ने अपने पुराने मित्र रेड्डी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जाना उनके लिए बहुत ही पीड़ादायी है। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने 1997 से 98 और 2004 से लेकर 14 तक के दौरान विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। साथ ही रेड्डी ने अप्रैल 1990 से 1996 तक और सितंबर 1997 से 1998 तक दो बार उस सदन में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वेंकैया नायडू ने उनके साथ अपनी मित्रता के बारे में बताया कि वो मुझसे 6 साल वरिष्ठ थे और पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन दिनों जब हम युवा हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश विधानसभा की बैठक सुबह 8 बजे शुरू होती थी, तब मैं और रेड्डी अक्सर सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट पर मिलते थे और कई मुद्दों पर चर्चा करते थे। उन्होंने कहा कि रेड्डी के हर विषय पर ज्ञान, समझने की क्षमता, अंग्रेजी, तेलुगु, उर्दू और हिंदी पर पकड़ बहुत ही शानदार थी। उनका जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। साथ ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू न रखने के लिए सदस्यों से क्षमा भी मांगी। उन्होंने कहा कि हमारा जुड़ाव 40 साल पुराना था, इस तरह वो छोड़ कर चले गए उससे मुझे काफी पीड़ा है। यानी पार्टियां अलग अलग हो, विचारधाराएं अलग अलग हो, लेकिन दोस्ती और इमोशन, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी। I request the members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Om Shanti Shanti Shanti. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. Honorable members, those days the assembly used to meet at 8 o'clock in the morning and both of us used to meet at 7 o'clock. Channel ko subscribe karein, like karein aur apne doston ke sath share bhi karein.